हेलो दोस्तों, आज हम एज इट इज ब्रांड के तीन प्लांट प्रोटीन्स का रिव्यू करने वाले हैं। आज हमारे पास एक है एज इट इज का सोया प्रोटीन आइसोलेट, दूसरा है एज इट इज का पी प्रोटीन आइसोलेट और तीसरा है ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट। तो आज हम तीनों को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं, हमको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, तभी हम अपना परचेज सही तरीके से कर पाएंगे। तो प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमें डेली एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए और हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में बहुत जगह यूज होते हैं। अब प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, हमारे शरीर को करीब 20 एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है और इनमें से कुछ एमिनो एसिड्स को हमारा शरीर खुद सिंथेसाइज कर लेता है, खुद से बना लेता है और कुछ को हमारा शरीर बना नहीं सकता, हमको बाहर से उसे डाइट में लेना पड़ेगा, हमको उसे खाना पड़ेगा। तो ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारा शरीर नहीं बना सकता है उसको इसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं और ये 9 टाइप के होते हैं। तो ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स हमको बाहर डाइट से लेने हैं। अब जो ऐसे फूड सोर्स हैं जिसमें ये 9 के 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं उन्हें हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया और फिश हो गया, इस तरीके के जो सोर्सेस हैं वो कंप्लीट प्रोटीन है। और जैसे सॉय हो गया तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते या मिल्क से बने प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं पर वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वे मिल्क से बनता है, मिल्क एलर्जीज है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है। कुछ ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्लांट प्रोटीन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं हम इन प्रोटीन्स को। पहला हमारे पास सोया प्रोटीन आइसोलेट है, कुछ इस प्रकार का इसका इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक का पैकेट है। 1/2 kg का ये पैकेट मैंने खरीदा था करीबन 500 रुपीज का, जो काफ़ी अफोर्डेबल है वे के कंपैरिजन में। ऊपर यहाँ पे इन्होंने जिप लॉक दे रखा है और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए सील दी थी जिसमें QR कोड था और एक स्क्रैच करने वाला कोड था, तो उसको हम ऐप की मदद से वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने किया था जेन्युइन था। अब अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें तो अप्रैल 2022 दे रखी है और अभी अक्टूबर चल रहा है 2022, तो काफ़ी टाइम है इसको कंज्यूम करने के लिए। अगर न्यूट्रिशनल फैक्ट देखें तो टोटल 16 सर्विंग्स है और पर सर्विंग 30 ग्राम की है और पर सर्विंग में हमको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वांटिटी है प्रोटीन की। पर इसकी खास बात यह है कि इसके साथ साथ हमको अच्छी मात्रा में मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कैल्शियम इसमें 258 mg है, पोटेशियम 58 mg है, मैग्नीशियम 22 mg है, तो काफ़ी सारे हमको मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं। सोय आइसोलेट की खास बात है। अगर हम इसका ये देखें कि इसको सोर्स कहाँ से किया गया है, तो कंपनी ने इस अपने लेबल में लिख रखा है कि सुप्रो सोय प्रोटीन आइसोलेट USA से इसको सोर्स किया गया है, यानी कि इन्होंने अपनी सोर्स भी बता रखा है कि ये कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें टेक्सचर की, तो फाइन पाउडर है और थोड़ा सा इसमें इसेंस ऐसे सॉय चंक्स की तरह आता है, जैसे सॉय चंक्स का टेस्ट होता है तो हल्का सा टेस्ट आता है उसका, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो हम इसको कई सारे मील्स में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, रोटी और इडली, डोसा, स्मूदीज, उसमें हम बना सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा टेस्ट नहीं है कि उसके टेस्ट को ख़राब कर दे, रोटी का टेस्ट अलग सा हो जाए, तो हम उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट पानी में घोल के पीने के लिए इसको नहीं बनाया गया है, घुल जाता है, मैंने घोल के भी देखा, आराम से घुल जाता है, पर फिर उसमें इतना अच्छा टेस्ट उसका लगता नहीं है। दूसरा हमारे पास है पी प्रोटीन आइसोलेट, इसकी भी पैकेजिंग लगभग सेम है और इस ये भी 1/2 kg का लिया था मैंने, 1/2 kg का करीबन 600 का पड़ा था, काफ़ी अफोर्डेबल है ये भी। इसमें
इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो अगस्त 2022 है, तो ये और नया है उससे, और साथ में स्टिकर भी है, न्यू का स्टिकर लगा के देखते हैं। सारे ऑनलाइन परचेज किए थे मैंने, तो न्यू का स्टिकर लगा के देखते देते हैं वो, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमारी ट्रस्ट बनी रहती है कि चलो नया प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट देखें तो टोटल 15 सर्विंग्स है और एक सर्विंग 35 ग्राम की है। अब 35 ग्राम में इसमें प्रोटीन मिल जाता है 28 ग्राम, तो वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा है। साथ साथ इसमें इन्होंने पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल दे रखी है, क्योंकि अब प्लांट प्रोटीन में हमको अमीनो एसिड प्रोफाइल का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए इन्होंने प्री प्रोटीन आइसोलेट में अलग से दे दिया है कि अमीनो एसिड प्रोफाइल इनकी ये है। तो आइसोल्यूसिन की इन्होंने दे रखा है कि 1.2 ग्राम है 35 ग्राम में, और ल्यूसिन दे रखा है 2.3 ग्राम में। तो इसके बारे में अभी देखते हैं। टेक्सचर की बात करें तो मतलब हल्के से पार्टिकल्स हमको फील होते हैं जब हम इसको स्मूदीज में डालते हैं, तो हमारे टंग में हल्के छोटे से पार्टिकल्स फील होते हैं कि ये इसके पार्टिकल्स हैं, पर वो बहुत फाइन है, बहुत छोटे हैं। तो मैं तो इसे कंज्यूम कर लेता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको भी सेम सॉय की तरह, सॉय प्रोटीन आइसोलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका भी वही है कि इसको डायरेक्ट घोल के पीने के लिए नहीं बनाया गया, एज मील सप्लीमेंट इसको यूज़ करना है। फिर आता है हमारे पास ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट, इसकी भी पैकिंग लगभग सिमिलर है। इसमें अभी मैंने ये जो इनकी सील है इसको अभी रहने दिया है ताकि दिखा सकूँ, तो इस तरीके की सील के ऊपर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे QR कोड दे रखा है और स्क्रैच कोड दे रखा है। ये भी करीबन 550 और 600 के आसपास पड़ा था मेरे को, और इसमें भी सारे के सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट लिख रखे हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है अगस्त 2022 है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसको भी कंज्यूम करने के लिए बहुत अच्छा समय है हमारे पास, और न्यू के लिए स्टिकर इन्होंने लगा के दे रखा था। इसकी अगर हम सर्विंग की बात करें तो टोटल सर्विंग 15 है, और पर सर्विंग साइज जो है वो 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम की स्कूप इसमें दे रखी है। अब अगर हम ये देखें कि इसमें कितना प्रोटीन है, तो 25 ग्राम प्रोटीन है 32 ग्राम में, तो वो भी अच्छी मात्रा है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए ब्राउन राइस प्रोटीन के हिसाब से ठीक ठाक है। और सारी की सारी एमिनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, तो पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन में इन्होंने पूरी एमिनो एसिड प्रोफाइल दे रखी है, ताकि आप इसको आसानी से प्लानिंग कर सकें किस हिसाब से आपने इसे खाना है। खाने का तरीका इसका भी वही है, मील्स के साथ में आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, घुल तो तीनों जाते हैं, घोल के देख लिया था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलते पानी में, पर अगर आप स्पून से थोड़ा ढंग से मिलाएं तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, और इसका भी वही चाकी टेस्ट टेक्सचर है, हल्के हल्के पार्टिकल्स हमको फील होते हैं जब हम स्मूदीज में बनाते हैं, और रोटी में तो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है, ये रोटी को और अच्छा टेक्सचर देता है, सॉफ्ट कर देता है। मैंने बहुत इसकी चपातीस बनाई है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये तीनों नॉन GMO है और प्योर है, इन्होंने लेबल में मेंशन कर रखा है कि ये सारे के सारे नॉन GMO है, तो थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है। अब क्यों मैंने इनको परचेज किया था, क्योंकि मुझे इनकी सबसे खास बात ये लगी कि ये सिंगल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि कई प्लांट प्रोटीन जो आते हैं ब्लेंड की फॉर्म में आते हैं, और उसमें कई सारे मिनरल्स, एंजाइम और विटामिन्स मिले रहते हैं। अब आजकल क्या होता है कि मार्केट में और प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिनको विटामिन्स और मिनरल्स से फोर्टिफाइड किया जाता है, तो जैसे कई बार मिल्क आता है तो वो फोर्टिफाइड रहता है, कई बार राइस होता है तो वो भी फोर्टिफाइड होता है विटामिन से या मिनरल से। तो हमारे लिए क्या हो जाता है कि कहीं हमारे शरीर में ओवर तो नहीं जा रहे हैं ये विटामिन्स, इसलिए हम एक सेफ कॉर्नर में रहें, या फिर हम अपनी मर्जी से जो विटामिन ले रहे हैं वही हमारे शरीर में जाए। फिर तीनों को यूज़ कैसे करना है, तीनों को मील सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करना है। जैसे हम कोई भी मील बनाएंगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, रोटी बनाएंगे तो उसके डो में ऐड कर दिया, इडली के बैटर में ऐड कर दिया, डोसा के बैटर में ऐड कर दिया, इस तरीके से इसको यूज़ करना है। लैक्टोज फ्री है और ग्लूटेन फ्री है, तो एलर्जीज जिनको है उनके लिए परफेक्ट है। सॉय प्रोटीन की बात करें तो ये एक कम्प्लीट प्रोटीन है, मीनिंग कि इसमें सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तो ये
गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है। और कई नई रिसर्चेस दिखाती हैं कि ये सोया प्रोटीन मसल बिल्डिंग क्वालिटीज में भी वे प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन के सिमिलर काम करता है। साथ साथ सोया प्रोटीन में कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ साथ वुमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कई जगह इसने कैंसर प्रिवेंशन में अपना रोल दिखाया है। पर सोया के साथ कई मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कई लोग ये मानते हैं कि अगर मेल्स सोया को कंज्यूम करते हैं तो उनमें फेमिनिन कैरेक्टर शो होने लगता है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि सोया कंज्यूम करना बिल्कुल सेफ है, सेफली इसको कंज्यूम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पी और ब्राउन राइस प्रोटीन की। तो इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हाइपो एलर्जिक है, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एलर्जी करने वाले फूड हैं उनमें ये नहीं है। ठीक, तो जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा एलर्जी करने वाले फूड्स हैं मिल्क है, एग है और सोय है, तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे फूड हैं जो एलर्जी करते हैं, टॉप 6-7 फूड्स हैं उनमें ये नहीं है। तो एक तरीके से ये सेफ हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ये वेल टॉलरेटेड है, ज़्यादातर लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि ये कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं रखते हैं। पी और राइस दोनों ही इनकम्प्लीट प्रोटीन है। अब पी में मैथियोनाइन एमिनो एसिड लो होता है, कम होता है, जबकि लाइसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसका उल्टा राइस में होता है। राइस में मैथियोनाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और लाइसिन कम होता है। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि हम इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करें। अगर हम इन दोनों को 50-50 रेशियो में मिक्स करके यूज़ करें तो ये एक कंप्लीट एमिनो एसिड की प्रोफाइल बना देता है और लगभग वे प्रोटीन के सिमिलर हो जाता है। तो अगर हम थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग के साथ इनको यूज़ करेंगे तो हम सिमिलर इफेक्ट, वे के सिमिलर इफेक्ट हम इनमें पा सकते हैं, मसल बिल्डिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे प्रोटीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल होती है और ल्यूसीन भी अच्छी मात्रा में होता है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। पर अगर किसी को टॉलरेट नहीं हो रहा है वे प्रोटीन तो वो अपनी डाइट में इन प्लांट प्रोटीन को ऐड कर सकता है। अच्छी प्लानिंग के साथ ऐड करें तो ऑप्टिमम ग्रोथ अपनी मसल में वो पा लेगा। तो बहुत बढ़िया प्रोटीन के ऑप्शन ये भी है, अफोर्डेबल भी है, तो वे के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके गोल मसल बिल्डिंग करना नहीं भी है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे प्रोटीन सोर्सेज आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं।